दोस्तों नमस्कार। कल 11 जुलाई है। 11 जुलाई को कल सुबह 11 बजे इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके अंदर मान लें तो फिर हाथी चश्मा पहन लेगा। हाथी के चश्मा पहनने का मतलब ये कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन की बात चल रही है, जिसके अंदर की बहन जी मायावती और अभय सिंह चौटाला राजनीतिक भाई बहन, जिनकी जो जोड़ी बनी है दोबारा से, उनका अब विधिवत रूप से ऐलान हो जाएगा, गठबंधन का ऐलान हो जाएगा और हरियाणा का एक नया राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा। अभय सिंह चौटाला की पार्टी और जो इंडियन नेशनल लोकदल है और बहुजन समाज पार्टी, हालांकि इनका गठबंधन कोई पहली बार नहीं है और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की बात भी हरियाणा में कोई पहली बार नहीं है, लेकिन इस चुनाव के कई मायने हैं। इस चुनाव के मायने यूं हैं कि जहां एक तरफ अभय सिंह चौटाला राजनीति के दुराग्रह के दौर से निकल रहे हैं, यानी कि जहां उनके पास रास्ते बहुत सीमित हैं, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी भी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, जबकि उसका कोई विधायक नहीं, मात्र एक विधायक यूपी में, वो भी समर्थन बीजेपी को, और कहीं कोई उनके नेता नहीं, लोकसभा में कोई सदस्य नहीं, मतलब स्थिति बहुत खराब। और इस हालात में, इस वर्तमान दौर में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का कल समझौता हो जाएगा और मैंने आपको कहा कि हरियाणा के नेताओं को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म यूं कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी, हालांकि आज इन दोनों पार्टियों का प्रदेश के अंदर कोई आधार नहीं दिखाई देता, कोई बड़ा जनाधार नहीं है, और उसके पीछे कारण ये कि लोकसभा चुनाव जो अभी हाल ही में हुआ या उससे पहले का 2019 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, उन सब में इंडियन नेशनल लोकदल की बहुत दुर्गति हुई और उस सब को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं में हताशा निराशा का माहौल था, जिससे उबारने के लिए अभय सिंह चौटाला लखनऊ पहुंचे और अपनी जो उनकी धर्म बहन बनी थी आज से 5-6 साल पहले, उनको पुरानी वो बातें याद दिलाई होंगी और वो रिश्ता फिर जुड़ गया, यानी कि गठबंधन लगभग तय हो गया। अब चर्चाएं बहुत ये हैं कि गठबंधन की शर्तें क्या होंगी। वैसे मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन चुनाव मैदान में एक ही बार सामने आया आज तक। गठबंधन तो उनके हुए एक दो बार, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए एक ही बार सामने आए, गठबंधन तो 3 बार हुए। और जब ये गठबंधन में चुनाव लड़े तो इंडियन नेशनल लोकदल को भी हरियाणा में बढ़िया सफलता मिली। लोकसभा का चुनाव था वो 1998 में, 4 सांसद बनकर के चुन करके आ गए इंडियन नेशनल लोकदल के। हालांकि वो दौर बहुत था, वो दौर चौधरी देवीलाल का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का था और देवीलाल परिवार इकट्ठा था, बंधा हुआ ओम प्रकाश चौटाला का परिवार। और बहुजन समाज पार्टी भी अपने उठाव की तरफ थी, उत्थान की तरफ थी। और मैंने जो बताया आपको, वो गठबंधन सफल गठबंधन रहा 1998 का, जब इंडियन नेशनल लोकदल के 4 नेता सांसद बन गए तो बहुजन समाज पार्टी के भी टिकट पर अंबाला से अमन कुमार नागराज चुनाव जीतकर वो भी सांसद बन गए। हरियाणा से एक बार जो सांसद बना वो तभी बना जब गठबंधन था लोकदल और बीएसपी का। और अब जो मैंने आपको बताया कि दोनों पार्टियां राजनीति के उस दौर से गुजर रही हैं जिसमें दोनों को एक सहारे की जरूरत है और सहारा बने दोनों, अभय सिंह चौटाला और मायावती, दोनों की मीटिंग हो चुकी है। अब बड़ी चर्चाएं ये हैं कि इस गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा कैसे होगा और अभी क्या इस गठबंधन के अंदर और कोई पार्टी जुड़ सकती है। तो मैं आपको बताऊं कि अभय सिंह चौटाला को जो लोकसभा का चुनाव अभी हाल ही में हुआ, जब कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो उनको 2 प्रमुख नेताओं ने समर्थन दिया। उनमें एक नेता तो थे बलराज कुंडू, जो महम के निर्दलीय विधायक हैं, आजकल उन्होंने भी अपनी एक राजनीतिक दुकान खोल रखी है, यानी कि राजनीतिक पार्टी बना रखी है। और दूसरे उसके अंदर थे जो शरद पवार की पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, एनसीपी शरद पवार के जो हरियाणा के नेता थे, जो करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़े और वो हरियाणा के अध्यक्ष भी हैं, मराठा वीरेंद्र।
मराठा वीरेंद्र ने भी समर्थन दिया था लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला को, और अभय सिंह चौटाला ने समर्थन दिया था मराठा वीरेंद्र को, तो क्या ये दोनों पार्टियां भी उस गठबंधन में जा सकती हैं? क्योंकि रोड मतदाताओं पर ठीक ठाक असर है वीरेंद्र मराठा का, और दूसरी तरफ बलराज कुंडू खुद विधायक महम से हैं और अगली लड़ाई भी उनकी है। वैसे राजनीतिक सूत्र, राजनीतिक लोग ये कहते हैं कि बलराज कुंडू तो बहुत लंबे समय से मांडवाली कांग्रेस से भी कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि आनंद सिंह दांगी हैं कांग्रेस के पास महम के अंदर, और मांडवाली के लिए बताते हैं कि मांडवाली तो मराठा वीरेंद्र भी कर रहे हैं और पहले भी कर रहे थे। लेकिन फिलहाल हम बात कर सकते हैं कि क्या अगर इनकी कांग्रेस से बात नहीं बनती बलराज कुंडू और इनकी, तो ये इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का जो गठबंधन हो सकता है उसमें आ सकते हैं। अब चर्चाएं ये कि क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताऊं, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के जो बीच अगर मसौदा बनता है तो अकेले बहुजन समाज पार्टी को 20 से 25 सीट ऑफर कर सकती है इंडियन नेशनल लोकदल, या 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है दावा करके बहुजन समाज पार्टी। हालांकि दावा तो 45 का भी कर सकते हैं, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो ये हैं। और एक बड़ी चर्चा और है कि ये जो गठबंधन हुआ इनेलो और बीएसपी का, इस गठबंधन के पीछे केवल मायावती और अभय सिंह चौटाला ही हैं या फिर पर्दे के पीछे कोई और ताकत भी काम कर रही है? इस पर कभी आपसे फिर बात करूंगा, अभी तो आप खुद इस पर सोचिए और कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए अगर कुछ ऐसा लगता है कोई और ताकत है। आगे वीडियो में बढ़ते हुए आपको बताऊं कि जो इन दोनों पार्टियों के गठबंधन की बात जो चल रही है, और इसके अंदर जो बात आ रही है कि 20 से 25 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का हाथी और बाकी पर चश्मा, अब चश्मे वालों का और समझौता किसी से होता है नेलो को, तो वो भी बीच में आ जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी जो हरियाणा में चुनाव लड़ती रही है, बहुजन समाज पार्टी के एक बार विधायक बने प्रथला से टेकचंद शर्मा 2014 में, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर हथीन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए तैयब हुसैन भीमसी का एक अच्छा मुकाबला कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के चुनाव टिकट पर कभी चुनाव लड़ते हुए सुभाष चौधरी ने दो बार चुनाव लड़े और उन्होंने बहुत अच्छी संख्या में वोट भी लिए। बहुजन समाज पार्टी के जगाधरी से, नीलोखेड़ी से यहां पर चुनाव जीतने की बात भी चल चुकी है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी का एक वोट शेयर माना जाता रहा है। तो अगर हम माने तो बहुजन समाज पार्टी जो हरियाणा की जिन 25 सीटों पर दावेदारी कर सकती है या 20 सीटों पर जो बात बन सकती है, उनमें से कुछ रिजर्व सीटें हो सकती हैं और कुछ जनरल सीटें हो सकती हैं। और दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया समीकरण का, तो समीकरण इस प्रकार का कुछ बनता है कि जाट और जाटव, अभय सिंह चौटाला जाट मतदाताओं का, खासकर भले ही राजनीति में कोई नेता ये कहे कि वो जाति बिरादरी विश्वास नहीं करता, लेकिन आप मान करके चलें कि कास्ट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण होता है राजनीति के अंदर। तो अभय सिंह चौटाला जाट मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और मायावती जी करती हैं प्रतिनिधित्व दलित मतदाताओं का। तो आप मान लें कि कल हाथी चश्मा पहन लेगा और चश्मे में से झांक करके हाथी फिर उन सीटों को ढूंढेगा कि जहां पर मायावती जी का, बहन जी का हाथी मदमस्त होकर घूम सके। और जो राजनीतिक संभावनाएं हैं वो ऐसा बता रही हैं कि 20 से 25 सीटों पर यह गठबंधन हो सकता है जिसमें बीएसपी चुनाव लड़े। वैसे आपको क्या लगता है हरियाणा में इनेलो बीएसपी गठबंधन का क्या वजूद रहेगा? आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस और बीजेपी को कितनी महत्वपूर्ण चुनौती दे पाएगा? और आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर ताऊ देवीलाल की विचारधारा के जो मतदाता जो पिछले चुनाव में जेजेपी की तरफ चले गए थे, वो इस गठबंधन होने के बाद क्या वापस लोकदल की तरफ, इनेलो की तरफ आ सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।